आज बनाएंगे हम मखाने की टेस्टी रेसिपी। इसके लिए चाहिए होगा हमें एक कप मखाना। इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है, सूखा भुनना है। हमने इसे तब तक भुनना है जब तक ये हाथ से क्रश ना हो जाए। देखिए कितनी इजीली क्रश हो गया, इसका मतलब ये रोस्ट हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे एक अलग बाउल में। अब उसी पैन में डालना है 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल। अब इसमें डालेंगे हम प्याज जो कि रफली चॉप किया हुआ है। 3 से 4 मीडियम प्याज लिए हैं ये, इन्हें रफली चॉप करके डाल दिया। अब ये है 6 से 7, आप लहसुन की कलियाँ ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का गुलाबी होने तक हमने इसे भुनना है, तो जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमने इसे भुनते रहना है। अब डालेंगे इसमें टमाटर, ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, इसे भी हमने रफली चॉप किया हुआ है। अब हम करेंगे मसाले ऐड, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। इसे आज फिर से ढककर पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से ना गल जाएं। जब टमाटर गल जाएंगे आप ये गैस ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो इसका हमने बारीक पेस्ट बनाना है। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हमने वापस उसी पैन में डालकर इसे हमने भुनना है। तो कुछ देर तक हमने इसे भुनना है ताकि ये हल्का सा इसका रंग चेंज हो जाए। हल्का भूरा होने के बाद इसमें हम डालेंगे मटर। ध्यान रखें कि यहाँ हमने उबले हुए मटर ही यूज़ करने हैं और हमने इन मटर को भी इस मसाले के अंदर थोड़ी देर तक भुनना है। तो 1 से 2 मिनट तक भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। जिस जार में हमने पेस्ट तैयार किया था उसी जार में हमने इस पानी को डालकर अच्छे से मिक्स करके डाल देंगे। अब हमने थोड़ा सा इसको पकाना है। अब हम डाल देंगे इसमें मखाने। तो मखाने जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे, तो इसे हमने मखाने डालने के बाद ध्यान रखना है आपने इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे 2 या 3 मिनट के लिए पकाना है। अगर ज़रूरी लगे तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये मैंने गर्म पानी डाला है, तो आधा गिलास गर्म पानी डाला है मैंने इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा उबलने देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2-3 मिनट तक ही हमने इसे रखना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये है मलाई, जो घर की फ्रेश क्रीम होती है वो डाली है, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इसे भी हमने 1 मिनट तक ढककर पकाना है और उसके बाद हमारी ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बारीक कटा हुआ धनिया डालें, मिक्स करें और इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें। क्या आपने भी ये रेसिपी कभी बनाई है? हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।